मनरेगा योजना के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जाने वाले विकास कार्यों को मजदूरों से नहीं कराकर मशीनों से कराया जा रहा है। इससे गांव में रहने वाले गरीब मजदूर काफी परेशान हो रहे हैं। इन मजदूरों से मनरेगा के तहत मजदूरी नहीं कराई जा रही है। मजदूरी नहीं मिलने के कारण ग्रामीण अपने परिवार का भरण पोषण तक ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन मजदूरों को होती है जिनके पास खेती करने के लिए एक इंच भी जमीन नहीं है। ये लोग केवल मजदूरी के ही भरोसे रहते हैं। गांव में काम नहीं मिल पाने की वजह से अधिकतर मजदूर शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। यहां बता दें कि मनरेगा योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब मजदूरों को कम से कम 100 दिन के रोजगार के लिए था, जिससे गरीब मजदूरों को मजदूरी के लिए शहरों की तरफ पलायन नहीं करना पड़े और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इसलिए सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को आदेश किया था कि गांव में होने वाले विकास कार्यों में मनरेगा के तहत गरीब मजदूरों से मजदूरी कराई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला वीरपुर ग्राम पंचायत का सामने आया है, जहां मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई मजदूरों की जगह जेसीबी मशीन से कराई जा रही है। ये तालाब स्थानीय मजदूरों के द्वारा खोदा जाना था, लेकिन पूरी योजना को सरपंच सचिव और सहायक सचिव ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। तीनों ने आपस में मिली भगत करके मजदूरों का काम जेसीबी मशीन से कराकर करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार कर लिया। शासन से पैसे वसूल करने के लिए तीनों ने फर्जी मास्टर रोल, अपने चहेते लोगों के नाम पते और खाते नंबर भरकर पैसे डलवा कर निकाल लिए। जिन मजदूरों के नाम से पैसे निकाले गए हैं, उन्होंने कभी एक गड्ढा भी नहीं खोदा है और उनके खातों में पैसे डालकर निकाल लिए गए। वहीं पंचायत के जंगलों में तरहिया निर्माण कार्य जेसीबी मशीनों से करवाया जा रहा है। मजदूरों को भनक भी नहीं है कि तीन तलैयाओं की खुदाई जेसीबी मशीन से करवाई जा रही है और उनके हक पर पंचायत द्वारा डाका डाला जा रहा है। शिवपुर से धीरज बालोटिया की विशेष रिपोर्ट।